नमस्कार, जॉय बीट्स ऑफिशियल देख रहे सभी दर्शक एकदम बढ़िया होंगे। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो दोस्तों लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपकी जॉय भरी लाइफ में जॉय बीट्स हमेशा एकदम बढ़िया वीडियोस आपके पास हमेशा पहुंचाता है और कोशिश रहती है कि आप इस वीडियो से कुछ नॉलेज ग्रहण कर सकें। तो चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं हम इम्पाला कार। 60 की दशक की वो कार जिसके दीवाने विदेश से लेकर भारत तक में थे। 1960 का दशक कुछ ऐसा था जब सड़कों पर एक क्लासिक और तेज रफ्तार कार चला करती थी। उस कार को देखते ही हर किसी की नज़र उस पर टिक ही जाती थी। इसके इंजन की दमदार आवाज़ हर किसी को अपने आने की खबर दे देती थी। ये कार कोई मामूली कार नहीं थी, बल्कि ये तो थी क्लासिक इम्पाला कार। वही कार जिसने कार चलाने वालों को बताया क्या होता है कूल होना। कभी सड़कों पर राज करने वाली ये इम्पाला आज वक्त की धूल में खो गई है। तो चलिए बीते वक्त के पन्नों को पलटकर एक बार फिर जानते हैं इम्पाला की रोचक सफर के बारे में। फोर्ड को टक्कर देने के लिए बनाई गई थी इम्पाला। वो साल था 1958 का और कार कंपनियों में बहुत कड़ा मुकाबला चल रहा था। इस मुकाबले में फोर्ड कंपनी ने बाजी मारी हुई थी। उनकी कार लोगों को बहुत पसंद आ रही थी। वहीं दूसरी ओर शेवरले फोर्ड से पीछे होती जा रही थी। कंपनी कुछ ऐसा करना चाहती थी जिससे वह फोर्ड से आगे निकल सके, इसलिए उन्होंने कुछ बिल्कुल ही नई तरह की कार बनाने का फैसला किया। इस एक फैसले के बाद शेवरले के सभी ऑटोमोबाइल इंजीनियर नई कार बनाने में लग गए। इतना ही नहीं, कुछ वक्त में उन्होंने वहां कार बना भी दी। जब सबने वे कार देखी तो सबसे पहले इसके डिजाइन को देखकर हर कोई हैरान हो गया। दो दरवाजे वाली ये इनवर्टेबल कार मार्केट में मौजूद बाकी कारों से बहुत ही अलग थी। इसके जैसा क्लासिकल और स्टाइलिश डिजाइन पहले कभी नहीं देखा गया था। डिजाइन के मामले में तो इसे पास कर दिया था, मगर अब बारी थी इसकी परफॉर्मेंस चेक करने की। पेट्रोल इंजन के साथ 136 हॉर्स पावर वाली यह दमदार कार थी। इसे न सिर्फ लुक बल्कि तेज रफ्तार ड्राइविंग के लिए भी बनाया गया था। भारी डिजाइन होने के बाद भी ये 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ने की सक्षम थी। इतना ही नहीं, 0.60 मील प्रति घंटे की रफ्तार से सिर्फ 14 सेकंड में पकड़ सकती थी। इसकी परफॉर्मेंस देखने के बाद हर कोई चौंक गया। हर किसी को एहसास हो चुका था कि उन्होंने एक कमाल की गाड़ी बना दी है। हालांकि इस कार का नाम क्या रखा जाए ये अभी सोचा जाना बाकी था। इसके डिजाइन और रफ्तार को ध्यान में रखते हुए एक नाम सोचा जाना था, इसलिए इसे अफ्रीका के एक हिरन प्रजाति का नाम दिया गया जिन्हें इम्पाला कहा जाता है। कहते हैं कि वह हिरन भी इम्पाला कार की तरह ही बहुत सुंदर और तेजी से दौड़ता है, इसलिए उसका नाम इस कार के लिए सबसे बढ़िया था। इसके बाद शेवरले ने 1958 में ही अपनी इम्पाला कार को लॉन्च कर दिया। इतना ही नहीं, इसका शुरुआती दाम रखा गया $25,000। इसके बाद शुरुआत हुई एक ऐसे दौर की जिसने कार की पूरी दुनिया ही बदल दी। राजेश खन्ना की पसंदीदा सवारी 1958 में जैसे ही इम्पाला मार्केट में आई उसने धूम मचा दी और बहुत कम वक्त में ये एक स्टेटस सिंबल बन गया। हर कोई इसे खरीदना चाहता था। सड़क से गुजरती इम्पाला को देखकर हर किसी की आंखें बस उस पर ही टिक जाया करती थी। देखते ही देखते इम्पाला विदेशों में प्रसिद्ध हो गई और भारत में भी लोग इसे खरीदने के लिए पागल हो रहे थे। भारत में इसे असली प्रसिद्धि मिली जब फिल्मों में सुपरस्टार राजेश खन्ना ने इसे चलाते हुए दिखाया। माना जाता है कि राजेश खन्ना को गाड़ियों का बहुत ज़्यादा शौक था। उसके पास बहुत सारी महंगी गाड़ियाँ भी थी। उन सब गाड़ियों में से उनकी असली पसंद थी शेवरले इम्पाला। 1960 के समय में जब राजेश खन्ना फिल्मों के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, उस समय भी वे अपनी इम्पाला में ही सफ़र किया करते थे। जब राजेश खन्ना और डिम्पल कवाड़िया एक दूसरे के प्यार में थे, तब डिम्पल ने भी राजेश खन्ना को एक इम्पाला गिफ्ट की थी। राजेश खन्ना ने बिना कुछ कहे इम्पाला को भारत में भी प्रसिद्ध कर दिया। इसके बाद तो भारत की सड़कों पर भी ये चलती हुई नजर आई। 1958 में बनाई गई इम्पाला में सिर्फ दो दरवाजे थे। 1965 तक इसे डिज़ाइन को ऐसे ही रहने दिया। 1965 में जो इसका डिज़ाइन सामने आया उसने तो इसकी किस्मत ही बदल दी। 1965 में इम्पाला के दो दरवाजे बदलकर उसे चार कर दिया। इसके डिज़ाइन में भी काफ़ी बदलाव किए गए।
इसके इंजन को भी बदलकर इसमें नया V8 इंजन लगाया गया, जिससे इसकी परफॉर्मेंस को और भी ज़्यादा बढ़त मिली। इसके बाद तो पूरी दुनिया में नए मॉडल वाली इम्पाला कार की डिमांड होने लगी। इतना ही नहीं, कहते हैं कि शेवरले इसकी इतनी डिमांड देखने को मिली कि इसका प्रोडक्शन करना मुश्किल हो गया था। आंकड़ों की माने तो 1965 वाले मॉडल के आने के बाद शेवरले का हर साल 1 मिलियन इम्पाला बनाने लगे। इतना ही नहीं, ये गाड़ियां कब बिक जाती पता ही नहीं चलता। दुनिया के कई देशों में इम्पाला की डिमांड आने लगी थी। बाहर कार एक्सपोर्ट करने के लिए भी शेवरले को अपनी प्रोडक्शन यूनिट बढ़ानी पड़ गई थी। आंकड़ों के हिसाब से 1965 के बाद शेवरले ने करीब 7,46,800 V8 इम्पाला बेची थी। ये दर्शाता है कि ये कार उस समय किस तरह से शिखर पर थी। 1965 के बाद शेवरले ने सीधा 1971 में ही इम्पाला का नया मॉडल निकाला। इस बार भी उन्होंने इसकी रफ्तार पर ही ज़्यादा ध्यान दिया था। नए मॉडल के साथ इम्पाला की रफ्तार 365 हॉर्स पावर की हो गई थी। 1971 मॉडल में कार के इंजन को भी ज्यादा किफायती बनाया गया। इसका फायदा कंपनी को तब हुआ जब 1973 में ऑयल क्राइसिस आया। पूरी दुनिया में ईंधन की कमी हो गई थी, ऐसे में इम्पाला का ज्यादा किफायती इंजन काफी काम आ रहा था। हालांकि इस इंजन को बनाने के कारण इम्पाला को अपनी कार परफॉर्मेंस थोड़ी गिरानी पड़ी थी। माना जाता है कि आगे चलकर यही इम्पाला के बंद होने का कारण भी बना। वक्त के साथ मार्केट में नए नए गाड़ियां आ रही थी और परफॉर्मेंस के मामले में इम्पाला से काफ़ी बेहतर साबित हो रही थी। अपने नाम के कारण आने वाले कुछ सालों तक तो इम्पाला ने कई कोर्स बेची, मगर धीरे धीरे इसकी सेल कम होने लगी। लोग इम्पाला की जगह दूसरी गाड़ियों को चुनने लगे थे। गुजरते वक्त के साथ शेवरले को इम्पाला बेचने में भी बहुत दिक्कत होने लगी थी। 1985 आने तक तो इसकी सेल इतनी कम हो गई थी कि कंपनी ने इसका प्रोडक्शन बंद करने की ही ठान ली थी। इसके बाद 1985 में आखिरी बार इम्पाला बनाने की घोषणा की और इसकी प्रोडक्शन रोक दी गई। वक्त के साथ नहीं चलने के कारण इम्पाला का बना बनाया साम्राज्य चुटकियों में नीचे गिर गया था। 1985 में इम्पाला ने अपना प्रोडक्शन बंद कर दिया था, मगर शेवरले इसके नाम को इतनी आसानी से नहीं डूबने देना चाहता था। इसका प्रोडक्शन ज़रूर बंद कर दिया गया, मगर इम्पाला अभी भी जिंदा है। कंपनी इसे पहले से बढ़िया और नए ज़माने के हिसाब से बनाने लगी। इस काम को करने में काफ़ी वक्त लग गया। जैसे कि नई इम्पाला बनाकर तैयार हुई, 1994 में इसे लॉन्च कर दिया गया। इसकी सेल पहले जैसी तो नहीं हुई, मगर इतने सालों के बाद वापस आने पर वह बुरी सेल नहीं थी। लोग इम्पाला को भूले नहीं थे और जैसे ही इसका नया मॉडल आया, इसे लोगों ने अपनाना शुरू किया। इसके बाद इम्पाला के समय समय पर अपने अपडेटेड मॉडल निकालने शुरू किए। वे नहीं चाहते थे कि फिर से उनकी ये क्लासिक कार बंद हो जाए। अमेरिका जैसे देशों में इम्पाला आज भी चल रही है। लोग इसके नए मॉडल को दिल से अपना रहे हैं। हालांकि भारत की बात की जाए तो यहाँ पर लोग अभी भी पुरानी क्लासिकल इम्पाला को ही पसंद करते हैं। इम्पाला ने अपना नाम नहीं खोया। बीच में कई परेशानियां ज़रूर आई थी, मगर उनसे आगे निकलकर कंपनी ने फिर से खुद को खड़ा किया। यही कारण है कि आज भी इम्पाला का वजूद है। तो कैसे लगी वीडियो दोस्तों, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। देखते रहिए जॉय बीट्स ऑन YouTube।